नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधायक शैलेन्द्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्था उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के उद्देश्य से नाप के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग एक माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनके लिए लगाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा, आज का हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी ना बने, आप समाज के अविभाज्य अंग है, उसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। हमारे समाज के ऐसे दिव्यांग बंधु बांधव माताएं बहने जिनके ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में नारायण सेवा समिति उदयपुर के सहयोग से और जो हमारे नगर की जो बड़ी सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है सीताराम रसोई परिवार के साथ मिलकर ये कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में शहडोल जिले के एक आदिवासी गांव को लेकर ऐसा कुछ खास कह दिया, जिसके बाद यह जिला एक बार फिर से पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जो बैका बाहुल्य आदिवासी गांव है, यह फुटबॉल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे। अभी हाल ही में जब पीएम मोदी शहडोल दौरे पर आए थे तो उन्होंने इन फुटबॉल खिलाड़ियों से पकरिया गांव में मुलाकात की थी और अब उसे मन की बात में भी बताने के बारे में कहा था और आज मन की बात के अपने इस एपिसोड में उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया। इस मैदान का नाम स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे और चूंकि ओलंपिक खिलाड़ी होने नाते जो है तो एक ये विचारपुर का जो गांव था उसके मैदान का नवीनीकरण रूप में नाम देने तक उसके नाम से वो ग्राउंड पहचाना जाए, इसलिए जो है यहाँ के पूरे खिलाड़ियों द्वारा और यहाँ के पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके द्वारा सब जो पूरे गांव की मंशा थी कि इसका एक नामकरण किया जाए, तहत जो है स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान विचारपुर के नाम से इसको रखा गया। मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील के रूप में विचारपुर का नाम जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ करीब 50 वर्षों से फुटबॉल खेला जा रहा है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। इसी के संदर्भ में सर एक ऐसा अवसर आया जब पकरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए थे और उन्होंने सर मिनी ब्राजील के रूप में ग्राम विचारपुर को बताया और उसके बारे में पूछा सर, और वो बहुत ही हर्ष का विषय था और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य था सर कि मुझे उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। नगर परिषद नगरी में मिनी स्टेडियम निर्माण के खोदे गए गड्ढे में दो मासूम बच्चों की डूबने से का मामला सामने आया है। बता दें कि डूबने से दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने दोनों बच्चों के शव नगर परिषद नगरी के सामने रखकर ढाई घंटे चक्का जाम किया और लापरवाह जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर दलोदा थाना प्रभारी संजय जी परिहार, कचनारा चौकी प्रभारी मकवाना और दलोदा तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। परिजन प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन लेने के बाद मामले को शांत कराया। दो बच्चे थे जो
शासकीय स्कूल के पास में गड्ढे में गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक का नाम राज था और एक का नाम हरीश था। तो उनकी कुछ जो परिवारजनों की बेद मांगी थी तो वो उन्होंने प्रयास पूरी करने का प्रयास किया और उससे वो संतुष्ट होके फिर वो अंतिम संस्कार के लिए चले गए। जो भी बेद तरीके से जो भी हो जाए तो हमने आश्वासन दिया है, तहसीलदार मैडम भी थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया है। वहाँ पर गड्ढे में डूबने से दो बालकों की मृत्यु हो गई थी, तो वो लोग मुआवजे इत्यादि की राशि चाह रहे थे। अभी उनको आश्वासन दिया गया है और अभी प्रकरण भी बना दिया जाएगा, RBC 64 के तहत प्रकरण बना के हम लोग प्रेषित कर देंगे, तो उनको सहायता राशि उपलब्ध हो जाएगी। इस बाबत फिर वो संतुष्ट होकर अभी उन्होंने धरना जो भी था वो खत्म कर लिया है। नगरी में हम नगर पालिका का घेराव करके बैठे हैं। नगरी में आज दो जो बालक थे 7-8 साल के, यहाँ स्टेडियम कार्य निर्माण चालू था, पिछले एक महीने से काम बंद था। काम स्टेडियम कार्य के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे 7-8 फीट के कॉलम के लिए, बच्चे खेलते खेलते अचानक कब वहाँ चले गए उनको पता नहीं चला। पानी जो था जमीन के स्थल पे बराबर था उनको पता नहीं चला और दोनों बच्चे अंदर डूब गए, डूबने कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आज सभी ग्रामवासियों सभी समाज जहाँ पर उपस्थित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। देखिए आज नगर परिषद नगरी में स्टेडियम के लिए खुदे के गड्ढे में दो मासूम बच्चों की जान ली है, ये काफ़ी दुखद है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ठेकेदार की गलतियों के कारण पिछले दो महीनों से गड्ढे खुले छोड़ रखे थे और काफ़ी गहरे गड्ढे थे और इन गड्ढों को दो माह हो गए थे खुदेने, अभी तक इन पर न तो कोई काम किया जा रहा था और ठेकेदार लगातार लापरवाही कर रहा था। शहडोल जिले के बनास नदी में लापता हुए तीन युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। उसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला है। उसके दो साथियों की तलाश अब भी जारी है। बता दें शनिवार दोपहर व्यवहारी थाना क्षेत्र के हथवार गांव के समीप बनास नदी में पिकनिक मनाने 6 युवक गए थे। सभी युवक नदी के बीच एक टापू पर थे, तभी नदी का जलस्तर बढ़ा और सभी युवक बह गए थे। तीन युवक नदी से सुरक्षित बाहर आ गए थे, वहीं तीन की तलाश जारी थी। शनिवार को देर शाम तक सर्चिंग में भी पता नहीं चल सका था। NDRF और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार 2 दिन में सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। गहन तलाश के बाद रविवार को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक युवक का शव झाड़ियों के बीच बरामद हुआ। कल जो बनास नदी में घटना हुई जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए, उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं जिनकी खोजबीन के लिए SDRF शेडोल, SDRF रीवा, स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी TI, व्यवहारी SDOP और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगी हुई है। देखिए इसके लिए पूरे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवार जनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है, पूरे प्रशासन तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूँकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है। खंडवा मूंदी रोड पर मथेला के पास कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन इस रोड पर बड़ी संख्या में गड्ढे हो चुके जो भरे नहीं पाए और हादसे और दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। इस रोड पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है, लेकिन विगत 4 महीनों से इस मार्ग की हालत इस कदर से खराब हो चुकी है कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते वाहन भी खराब हो रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी इस रोड को लेकर आज से 3 साल से मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। 55 लाख का मुद्दा उठाया, 5 करोड़ 85 लाख का मुद्दा उठाया, उसके बाद एक नई चीज सामने आ गई कि टोल पर वसूली भी हो रही है। यह पता नहीं कि टोल किसका है और डेली इस पे लाखों रुपए की वसूली भी हो रही है और रोड पर गड्ढे भरने का किसी प्रकार का कोई नाम नहीं हो रहा है।
मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टोल का उजागर करें कि यह टोल का पैसा कहाँ जा रहा है और गड्ढे भरे आम जनता जो रोज जूझ रही है इन गड्ढों से, मोटरसाइकिल वाले जिस तरीके से परेशान है, उन लोगों की समस्या का समाधान करें शासन प्रशासन, में यही निवेदन करना चाहता हूँ। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभाग के मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर स्थित मुसरा गांव, जो कि जनपद पंचायत बुढ़ार क्षेत्र अंतर्गत आता है, मुसरा गांव के रहने वाले अघरिया परिवार में उनकी 1-7 वर्षीय मासूम इंद्रवती अघरिया के सिर और बाल में इन्फेक्शन संबंधित समस्या, जिस कारण उसके बाल रुखे और कड़े होकर नारियल जटा के समान हो गए हैं। परिजन उसका इलाज कराने के बजाय अब भगवान शंकर का रूप मानने लगे हैं। पूरा गांव इंद्रवती को भोले नाम से भी पुकारने लगा है। वह सिर में जटा मुकुट लिए स्कूल भी जाती है और पूरे गांव में घूमती है। ये तमाम लोग इंद्रवती को जटा मुकुट लिए दिन भर देखते हैं। किसी भी तंत्र ने इस गंभीर बात को जिम्मेदार अफसरों तक नहीं पहुंचाया। मैदानी अमला भी इंद्रवती को भगवान शंकर का रूप मानकर भोले भोले कहने लगे हैं और उसी अंधविश्वास का साक्षी बन बैठा, जिसका शिकार कक्षा 3 में पढ़ने वाली इंद्रवती अग्रिया हो चुकी है। मेरा बहनी है, ये स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं सब बच्चे। सब कोई कहते हैं भोले। सब कोई कहते हैं भोले। काहे कहते हैं भोले उसको? उसको बाल गुथा गया है इसलिए। तो सब कोई वहाँ स्कूल में भोले भोले बोलते हैं? जी, हम भोले मानी थी, सब गांव मोहल्ला वाले सब भोले माना थी। हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारी नतिनिया, उसका बाल समस्या है। हम भोले मानी थी, हमारे गांव मोहल्ला के सब भोले माना थी। बाल में जटा टाइप का है क्या पूरे उसके? पूरा जटा टाइप का है उसका मुंड में। डॉक्टर क्या ले गए रहे, वो समस्या आई रही? डॉक्टर यहाँ ले गए रहे, वहाँ के सवा ही ले गए थे। क्या समस्या आई रही? वही घाव हो गए रही यहाँ पूरा, तो इतने बड़े बड़े बाल हो गए रही, ऐसे बिल्टारे टाइप हो गए रही, फिर उसका कंघी हम नहीं कर रहे। सिंगाजी ताप परियोजना में मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता आरपी पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में सिंगाजी ताप परियोजना में भी मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के सदस्य ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही समिति के सदस्यों ने अगले चरण में आंदोलन को और तेज करने की भी बात कही है। हमारी निजीकरण निजीकरण हमारे कंपनी कैडर के विभिन्न वेतन विसंगति के मुद्दे, हायर क्वालिफिकेशन के मुद्दे, हमारे संविदा कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण का जो मुख्यमंत्री मोदी ने घोषणा की है, उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है, और जिसका पहले चरण में जनजागरण किया गया था, और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। अभी विद्युत संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है, और जो भी इनकी जायज मांगे हैं तो सूचीबद्ध करके मुझे अभी प्रस्तुत किया है, तो इसे तुरंत अपने मुख्यालय को फॉरवर्ड करूँगा। ये शुभकामना भी है कि सबकी मांगे पूरी हो, सब सुखी संपन्न रहें और संतुष्ट रहें सेवा से, ये मेरी शुभकामना है।
खबर इंदौर से है, जहां शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्रों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। मौके से चाकू मारकर भाग रहे आरोपी सत्यम को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया। छात्रों में हुए खूनी संघर्ष के पीछे आपसी विवाद बताई जा रही है। बता दें कि स्वामी विवेकानंद शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं और 11वीं के छात्रों के बीच सिगरेट की बात को लेकर विवाद हो गया। सीनियर ने जूनियर की शिकायत स्कूलों में की थी, इसी बात से नाराज जूनियर ने सीनियर छात्र की हत्या कर दी। आरोपी का पीछा करते हुए लाइव फुटेज भी सामने आया है, जहां पर शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के दोनों छात्रों में पुरानी रंजिश होने का बात सामने आया है, जिसके चलते आरोपी सत्यम और समर्थ के बीच आज सुबह विवाद हुआ था, जिसके बाद सत्यम के द्वारा समर्थ को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वहीं देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो एक जो जिसका मर्डर हुआ वो 12वीं का छात्र है, और जिसने मर्डर किया वो 11वीं का छात्र है। तो सिगरेट की बात पर ये मर्डर हुआ, और आरोपी का ये कहना था कि 12वीं का छात्र है, उसकी शिकायत टीचर से कर दी थी कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो उस पर से इनका वाद विवाद हुआ और वाइटल पार्ट का चाकू लगा है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में घायल अवस्था में लाया गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। खबर उज्जैन से है, जहां एक मुस्लिम युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में मुस्लिम समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनके मकान तोड़ने की मांग की है। बता दें कि बीती रात टंकी चौक इलाके में एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी, जिसके विरोध में रात को ही सैकड़ों समाजजनों ने खाराकुआ पुलिस थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया था। नाराज लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर मकान तोड़ रही है, उसी प्रकार की कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ भी की जानी चाहिए। आरोपियों का मकान तोड़ने की मांग की गई है। आपको बता दें कि एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप और लोगों ने कंट्रोल रूम का घेराव किया और बदमाशों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जाँच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है, मेडिकल इसमें करा दिया गया है। एक महिला के साथ मारापीटी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरीके की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी चाहिए। अगर ऐसा किसने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं आपके साथ अगर अगर, अगर नहीं देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी आपके पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें करें, कभी बर्दाश्त नहीं की जाए। खबर शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के बनास नदी का है, जहां से 6 युवक पानी में डूब गए थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पिकनिक मनाने के दौरान अचानक नदी में बाढ़ के चलते 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल लापता 3 युवकों की तलाश जारी है।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।